हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? फ्रेंड्स, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि भारतीय सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था को पटरी में लाने के लिए टोटल 20 लाख करोड़ का पैकेज प्रोवाइड किया है, जिसमें एमएसएमई के लिए टोटल 6 बेनिफिट्स प्रोवाइड किए हैं। और लास्ट वीडियो में मैंने आपसे पहले बेनिफिट के बारे में बात किया था। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा दूसरे बेनिफिट के बारे में, जो कि है 20,000 करोड़ का सबऑर्डिनेट डेप्ट। दोस्तों, इससे पहले हम सब ऑर्डिनेट डेप्ट के बारे में समझते हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। दोस्तों, आपको लगता है कि अगर कोई भी एमएसएमई एनपीए में जा चुकी है या स्ट्रेस्ड में जा चुकी है या फिर बहुत घाटे में जा चुकी है, उसका सिविल खराब हो चुका है, क्या उसको दुनिया की कोई भी सरकार लोन देगी? दोस्तों, मेरे नॉलेज के हिसाब से तो दुनिया में कोई भी ऐसी गवर्नमेंट नहीं है जो कि स्ट्रेस्ड एमएसएमई को, जो एनपीए में जा चुकी है, उसको लोन प्रोवाइड करती है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतीय सरकार ने इस पैकेज में 20,000 करोड़ का सब ऑर्डिनेट डेप्ट प्रोवाइड किया है। मतलब जो भी एमएसएमई एनपीए में जा चुकी है, स्ट्रेस में है, घाटे में चल रही है, उनके प्रमोटर्स को भारतीय सरकार ने, दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना, मैं इसलिए आपको धीरे धीरे बता रहा हूं कि भारत सरकार ने ऐसे प्रमोटर्स को, एनपीए, जो एमएसएमई एनपीए में जा चुकी है, उनके प्रमोटर्स को डेप्ट ही नहीं, इक्विटी प्रोवाइड कर रही है। मतलब उनको पैसा दे रही है और उनको बोल रही है कि आप इसे ऐसे इक्विटी इन्फ्यूज करिए अपनी कंपनी में। तो इससे फायदे क्या है दोस्तों? तो इसमें फायदे बहुत सारे हैं, लेकिन दो इंपॉर्टेंट फायदा मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। पहला, तो वो कंपनी, वो एमएसएमई एनपीए से बाहर आ जाएगी। दूसरा, जो प्रमोटर है, जो ऑलरेडी स्ट्रेस में चल रहे थे, बहुत हालत खराब थी, वो उनका जो लोन लेने का कैपेसिटी है वो 3-4 गुना बढ़ जाएगा। तो इस बेसिस में अगर हम देखते हैं दोस्तों, कम से कम 2 लाख ऐसे स्ट्रेस्ड एमएसएमई जो एनपीए में जा चुकी है गवर्नमेंट डेटा के हिसाब से, उनको फायदा पहुंचने वाला है और उनके अंदर जान फूंकने की कोशिश की गई है, जो कि बहुत बुरी हालत में चल रही थी। और इसके लिए सरकार ने बैंक को यह भी बोला है कि वो 4,000 करोड़ की गारंटी खुद ले रही है, बाकी पैसे की गारंटी बैंक के लिए छोड़ा गया है। तो आशा करता हूं दोस्तों ये दूसरा बेनिफिट आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेस एमएसएमई के लिए। और ये पूरे दुनिया में मेरे नॉलेज के हिसाब से तो कोई भी ऐसी गवर्नमेंट नहीं है जो एनपीए हो चुके या फिर स्ट्रेस में जा चुके लोन से दबे हुए एमएसएमई को लोन की तो बात छोड़ दीजिए, डेप्ट प्रोवाइड करेगी, वो भी उनके प्रमोटर्स को। सो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलूंगा आपसे इसके थर्ड बेनिफिट के साथ तीसरे वीडियो में। थैंक यू सो मच।